और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के इस्तीफे के बाद दो कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी और रामनिवास रावत ने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे की कॉपी मीडिया को नहीं मिल पाई है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने इसके पीछे की वजह जरूर बताई है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने की है, इसलिए दोनों ने ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अपना इस्तीफा सौंपा होगा। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस्तीफे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस दौरान राजीव सिंह ने कांग्रेस सरकार और संगठन मजबूत बताया और कहा कि लोकसभा के परिणामों के बाद अब पार्टी अनुभव के साथ युवाओं को आगे बढ़ाएगी। देखिए, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, परिणाम के तुरंत बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी एक पद छोड़ने का आग्रह किया था। और मैं समझता हूं कि केवल राष्ट्रीय नेतृत्व का नहीं, पूरे प्रदेश में जितने हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबका ये सामूहिक जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है चुनाव परिणाम को देखते हुए। और भावना सबकी इस्तीफा देने की रही है, लेकिन संगठन एक प्रक्रिया के तहत चलता है। और जिस तरह से दीपक बावरिया जी ने कल इस्तीफा दिया है और पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी की भावना का ही सम्मान करते हुए एक